तेजस्वी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक लाइन गलत कह रहे हैं। तेजस्वी जी को कहना चाहिए टन टनाटन टन टन टारा, पूरा विपक्ष बंटा धारा। कहीं कोई नहीं जा रहा है, सुपड़ा साहब जमानते जब्त। और जो थोड़ी बहुत कसर रह रही थी तो स्वाति जी ने स्वाहाकार कर दिया। मोदी जी काशी से सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, सारे देश में एक लहर दौड़ रही है और वो लहर है मोदी नाम केवलम। राहुल गांधी जी का प्रॉब्लम ये है कि जो सच होता है उसे वो झूठ समझते हैं, जो झूठ होता है उसे वो सच समझते हैं। अब तेजस्वी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक लाइन गलत कह रहे हैं। तेजस्वी जी को कहना चाहिए टन टनाटन टन टन टारा, पूरा विपक्ष बंटा धारा। सर दिल्ली में 7 सीटें हैं, इस बार क्या लगता है कि कितनी सीटें जो गठबंधन को जाएंगे और कितनी बीजेपी? कहीं कोई नहीं जा रहा है, सुपड़ा साहब जमानते जब्त। और जो थोड़ी बहुत कसर रह रही थी तो स्वाति जी ने स्वाहाकार कर दिया, सातों की सातों सीटों पर कमल खिलेगा। सर प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र बनारस 1 तारीख को वोटिंग है, क्या कहेंगे? और क्योंकि आखिरी फेस है और सब लोग मोदी जी काशी से सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, पिछले दोनों रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और अगर बात करें पूरे देश में, क्योंकि आखिरी फेस है, बंगाल भी है, यूपी भी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, मुझे लगता है कि मोदी जी का नारा ज़मीन पे उतर आया है। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। पूरा देश इस समय राष्ट्र और धर्म के पथ पे चल रहा है और सारे देश में एक लहर दौड़ रही है और वो लहर है मोदी नाम केवलम। मोदी नाम केवलम, इस देश को बचाना है और इस देश को आगे ले जाना है। इस देश को अगर एक रखना है, इस देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है, वो मार्ग है नरेंद्र मोदी का मार्ग। राहुल गांधी ने कहा है कि लोगों ने 5 चरणों में बीजेपी के झूठे वादे प्रोपेगेंडा को नकार दिया है, क्या कहेंगे इसको? राहुल गांधी जी का प्रॉब्लम ये है कि जो सच होता है उसे वो झूठ समझते हैं, जो झूठ होता है उसे वो सच समझते हैं। अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देश ने बीजेपी को या मोदी को नकार दिया है तो निश्चित जान लो कि प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि मोदी आ रहे हैं तो परिणाम दूसरा होता।